इस बात के पहले मेरी टीम का ये वाला पॉइंट है कि स्ट्रॉफेक्शन हेलो हाय एवरीवन क्या हाल चाल सेल्फ अभिनय सिंह स्वागत करता हूं सभी के इंजीनियर 24, में दोस्तों शाम के आठ हैं सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड सभी को राधे राधे नमस्कार तो आ जाइए गाइज अपन शुरुआत करते हैं सेट नंबर वन इंडक्शन मशीन का और गाइज आज मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि जो इंडक्शन मशीन है आज के बाद तुम्हारा फेवरेट पार्ट होगा तो जिस जिसको डर लगता है तो डर के आगे जीत है चलो आ जाओ गाइज यहाँ पे मेरे जगह के तकड़ो सतरंगी तो यहाँ पे गाइज स्टार्ट करेंगे अपन इंडक्शन मशीन तो मैं बिल्कुल भी वेट नहीं करूंगा ना आई होप आप सभी लोग आगे होंगे मैं सीधे क्लास को स्टार्ट करूंगा तो सभी लोग गाइस प्लीज़ जल्दी से आ जाइए है ना बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है शुरू <coughs> से आपको अटेंड करना है क्लास सो दैट यहाँ पे सभी लोग जो है शुरू से देख पाए चीज़ों को चलिए तो क्लास को सीधा अपन स्टार्ट करते हैं गाइज़ सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग चलो अब गाइज यहाँ पे सबसे पहले एन लीजिए क्या एनएसपी लीजिए कि इंडक्शन मशीन होता क्या है अब देखो इंडक्शन मशीन के दो पार्ट होंगे दैर इज़ अ मोटर और जनरेटर तो यहां पे जो हमारे पास में इंडक्शन मशीन में हमारे पास में मोटर का डोमिनेंट यूज है ना आपका जो जनरेटर है जनरेटर का उतना यूज नहीं है तो इसकी जो स्टडी अपन करते हैं वो कैसे स्टडी करते हैं दोस्तों एज ए मोटर की तरह स्टडी करते हैं इसकी जो स्टडी अपन करते हैं कैसे स्टडी करते हैं बेटा एज ए मोटर की तरह स्टडी करते हैं और मोटर क्या करता है मैके सॉरी uh, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट कन्वर्टेड इन द मैकेनिकल एनर्जी आप देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे ना ये हमारे पास में क्या फैंस है फैंस हैं ये कूलिंग फैंस हैं हमारे पास में ये एक आपके वायरिंग बॉक्स है गए हमारे पास में आपके लिफ्टिंग आइज है नेम प्लेट है हमारे पास में एक कास्ट आयरन है यानी कि फ्रेम जिसका बना होता है ये स्क्वायरल गेज <coughs> रोटर है गए स्लिप रिंग भी होता है हमारे पास में बैल बियरिंग है तो एक पूरा मैंने ओवरऑल यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन दिखाया है तो इन सारी चीज़ों का अपन वन बाय वन करके स्टडी करेंगे ठीक है चलो अब देखो यहाँ पे जो हमारे पास में इंडक्शन मशीन है इंडक्शन मशीन का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो कहां पे आता है हमारे पास में? देना चाहूंगा देखो बेसिकली हमारे पास में लाइक अदर मशीन इट हैज हैजो टू पार्ट हमारे पास में जिस तरीके की अदर मशीन है तो लाइक अदर मशीन इट हैज हैजो टू पार्ट एक हमारा स्टेटर होता है बेटा और दूसरा कौन सा होता है रोटर ये हमारे पास में क्या हो गया आपका ए आपका स्टेटर हो गया और ये हमारे पास में क्या हो गया रोटर हो गया स्टेटर एंड रोटर बोथ आर सेपरेटेड बाय द एयर कैप हमारे पास में स्टेटर और जो रोटर बेटा दोनों ही किससे सेपरेटेड होते हैं हमारे पास में दोनों ही आपके एयर कैप सेपरेटेड होते हैं यानी कि स्टेटर से रोटर पर जो आपकी पावर ट्रांसफर होगी वो किससे होगी वाय द एयर गैप तो स्टेटर एंड रोटर बोथ आर द सेपरेटेड बाय द एयर गैप तो हमारे पास में जो एयर गैप है गाइस एयर गैप से हमारे पास में स्टेटर और रोटर क्या होते हैं आपके सेपरेटेड होते हैं ठीक है ना अभी जो हमारे पास में स्टेटर है गाइस स्टेटर पर हमारे पास में क्या आता है मेन सप्लाई आता है आपका जो स्टेटर है यहाँ पे स्टेटर किसको कैरी करता है जो मेन सप्लाई हमारे पास में इसको कैरी करता है तो जो आपकी जो थ्री फेज सप्लाई है रोटर और रोटर कैरी करेगा जो रोटर है रोटर शाफ्ट को ये कैरी करेगा तो हमारा स्टेटर यहाँ पे कैसा पार्ट है स्टेशनरी पार्ट है रोटर कैसा पार्ट है रोटेटिंग पार्ट है जहां पे क्या अवेलेबल होती है जहां पे हमारे पास में जो शाफ्ट पावर है शाफ्ट पावर आपकी अवेलेबल होती है ठीक है ना अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास में जो आपका सप्लाई सप्लाई कहां पर लगा हुआ है सिर्फ और सिर्फ स्टेटर पर लगा हुआ है और यहां पे इसका जो रोटर है रोटर पे किसी भी तरीके का एक्साइटेशन यूज नहीं कर रहे हैं यहां पे हम किसी भी तरीके का जो एक्साइटेशन है कोई भी एक्साइटेशन यूज नहीं कर रहे हैं लाइक अदर मशीन अनलाइक एन आई तो यहां पे हमारे पास में जो सप्लाई है वो कितना सप्लाई आया एक सप्लाई आया तो हमारे पास में जो इंडक्शन मोटर है कैसा मोटर होता है इट इज अ सिंगली एक्साइटेड मशीन कैसा मशीन होता है बेटा ये होता है आपके पास में सिंगली एक्साइटेड मशीन अब तो नहीं बोलो Okay. बाकी हमारे पास में जो आपका सिंक्रोनस होता है सिंक्रोनस कैसा होता है डबली एक्साइटेड होता है क्यों क्योंकि वहां पे जो रोटर है रोटर पे क्या होता है

और जो रोटर की जो स्पीड है कभी भी सिंक्रोनस स्पीड को कैच नहीं कर पाती है इसीलिए गैस इसको क्या बोलते हैं इसीलिए इसको बोलते हैं असिंक्रोनस स्पीड क्यों कैच नहीं कर पाती इसको अपन देखेंगे अभी बस अभी इतना समझ लो कि हमारे पास में जो इंडक्शन मोटर है हमेशा कहाँ पर रोटेट करता है एनआर पे रोटेट करता है और जो मेरा एनआर एनआर हमेशा किससे निकलता है सिंक्रोनस से कम निकलता है सिंक्रोनस स्पीड कितना होता है वन ट्वेंटी एफ अपॉन पी तो इस स्पीड पर कभी भी रोटेट नहीं कर पाएगा इसीलिए जो मेरे पास में इंडक्शन मोटर है इंडक्शन मोटर को अपन क्या बोलते हैं असिंक्रोनस मशीन भी बोला जाता है क्या असिंक्रोनस मशीन तो गाइस ये आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पे क्या था थोड़ा सा आपके लिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन था कि, कि किस तरीके से इंडक्शन मोटर हमारा काम करता है क्या होता है बेसिकली है ना स्मॉल स्मॉल आपके पास में यहाँ पे क्या था इंट्रोडक्शन था सभी लोग यहाँ पे बताएंगे सभी यहाँ तक क्लियर है गाइस अब आपको आगे ले चलता हूँ अभी बहुत मजा आने वाला है यहां तक क्लियर है बेटा सभी को एक बार बताएंगे जल्दी से यहां तक क्लियर है यहां तक कोई दिक्कत समस्या परेशानी इतना क्लियर हुआ इंडक्शन मोटर में कोई दिक्कत चलो अब आगे चलते हैं अब देखो जो इंडक्शन मोटर हमारे पास में तो अब मशीन में हमें पता है कि हमारे पास में कॉन्सेप्ट क्या होता है मोटर का कि वेन एवर करंट कैरिंग कंडक्टर वेन एवर करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स यहाँ पे एक करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर आप किस में प्लेस करें मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर प्लेस करें तो हमारे पास में जो कंडक्टर है कंडक्टर पे क्या होता है एक फोर्स लगता है जिसकी वजह से क्या होता है आपका मशीन मोटर जो सॉरी जो कंडक्टर आपका रोटेट करता है अब देखो यहाँ पे कंडक्टर को रोटेट करने के लिए हमारे पास में क्या निकल के आता है जो कॉन्सेप्ट ऑफ आर एम एफ कॉन्सेप्ट ऑफ आर एम एफ निकल के आता है यानी कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताएंगे कि आर एम एफ की खोज है वो कैसे एक बार सभी लोग बताएंगे जो आर एम एफ किसने की थी एक बार फटाफट से सभी लोग बताएंगे जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है आर एम एफ इसकी डिस्कवरी किसने की थी फटाफट से गाइस बताएंगे, फटा बताएंगे जिसने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों यहाँ पे इसी तरीके की प्यारी प्यारी क्लासेस आपको मिलने वाली है चल देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ आर यानी कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है तो यहाँ पे स्लॉट को कट करके यहाँ पे जो conductor है, को प्लेस करते हैं और यहाँ पे मैंने क्या ले लिया ये मैंने इसका रोटर ले लिया क्या ले लिया रोटर ले लिया ठीक है तो अब यहाँ पे थ्री फेज सप्लाई ले लेते ले हैं ले अपन फटाफट से तो यहाँ से क्या आ गया फेज सप्लाई आ गया ओके तो ये मेरे पास में क्या आ गया थ्री फेज सप्लाई आ गया नाउ अब आप ये आपका थ्री फेज जो सप्लाई है इसको ए बी सी वॉर एवर आप जो भी लेना चाहो आप ले सकते हो यहाँ पे ठीक है तो मैंने सप्लाई आपको यहाँ पे ए बी सी ले लिया आप चाहो तो आर वाई बी भी, भी ले सकते हो ये हमारे पास में सप्लाई आ गया और ये क्या हो गया आपके पास में जो मोटर है मोटर का स्टेटर हो गया तो स्टेटर के ऊपर क्या आ गया हमारे पास में स्टेटर के ऊपर सप्लाई आ गया ठीक है और ये हमारे पास में क्या आ गया ये मोटर का रोटर हो गया जहां के ऊपर क्या हो गया आपके पास में शाफ्ट होगा ठीक है तो ये मोटर का शाफ्ट हो गया नाउ अब देखो यहाँ पे होगा क्या मेरे पास में कि जैसे आपके पास में यहां पे सप्लाई दिया यहाँ पे इमीडिएटली क्या होगा करंट आपका फ्लो होगा इमीडिएटली क्या होगा गैस आपका जो करंट है करंट आपका फ्लो होगा अब मेरे पास में यहाँ पे जैसे ही स्टेटर जो वाइंडिंग है हमारे पास में ना जैसे ही हमारे पास में जो स्टेटर वाइंडिंग है स्टेटर वाइंडिंग के अंदर बेटा जैसे ही आपका करंट फ्लो हुआ इमीडिएटली यहाँ पे क्या होगा इमीडिएटली यहाँ पे फ्लक्स आपका जनरेट होगा क्या होगा गाइज यहाँ पे आपका जो फ्लक्स है इमीडिएटली फ्लक्स आपका जनरेट होगा अब यहाँ पे जो फ्लक्स है कि नहीं होता है मेरे पास में जो फ्लक्स है, है ना ये आपके फ्लक्स की वैल्यू होती है तो अब यहाँ पे जो मेरा फ्लक्स है इसका वैल्यू कितना आ जाएगा एमएमएफ क्या होता है हमारे पास में एम तो करंट ले लीजिए यहाँ पे इंटूटेंस डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस आ गया तो आप देख सकते हैं फ्लक्स यहाँ पे किसको फॉलो कर रहा है करंट को आप फॉलो कर रहा है ये यह जो यहाँ पे आपका करंट है यानी कि जो फ्लक्स है ये किसको फॉलो कर रहा है आपका करंट को फॉलो कर रहा है यहाँ पे है ना तो अब यहाँ पे मेरे पास में जो फ्लक्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी देखिए यहाँ पे, पे यानी कि यहाँ पे जो हमारे पास में थ्री फेज करंट है तो थ्री फेज करंट सीक्वेंस को ही कौन फॉलो करेगा यहाँ पे आपका जो फ्लक्स है गाइस इसको ये फॉलो करेगा तो अब देखिए हमारे पास में बेटा जो फेज ए है फेज ए में करंट का वैल्यू कितना निकल के आएगा देखो यहाँ पे आपके पास में जो फेज ए है फेज ए में जो करंट है इसका वैल्यू क्या निकल के आएगा देखो तो यहाँ वैल्यू तो कितना हो 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 जाएगा हो जाएगा जाएगा हमारे पास में ए ए टू टू ओमेगा टी ठीक है ये हो जाएगा आपके पास में अच्छा इससे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो मेरे पास में थ्री फेज सप्लाई होती है थ्री फेज सप्लाई क्या होता है बेटा स्पेस में वन डिग्री से रोटेट करता है हमारे पास में जो थ्री फेज सप्लाई है थ्री फेज सप्लाई क्या होता है आपका स्पेस में वन ट्वेंटी डिग्री से जो ट्रेट करता है तो यहाँ पे हमारे पास में ए फेज हो गया गाइस ये आपका ए फेज हो गया ये हमारे पास में बी फेज हो गया ये हमारे पास में सी फेज हो गया नाउ अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें अगर हम फेज ए को रिस्पॉन्स सॉरी रेफरेंस लेते हैं तो फेज बी यहाँ से क्या करेगा इसको वन ट्वेंटी डिग्री से लैग करेगा जो फेज बी है इसको वन ट्वेंटी डिग्री से लैग करेगा और यहाँ पे फेज सी क्या करेगा इसको 120 डिग्री से लीड करेगा तो इन तीनों के बीच में जो रिस्पेक्टिव फेज डिस्प्लेसमेंट होता है वो कितना होता है मेरा 120 डिग्री का होता है अब क्योंकि क्योंकि यहाँ पे जो करंट है तुम्हारा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है फ्लक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका जो करंट है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है फ्लक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो मेरा जो फ्लक्स है फ्लक्स का डिस्प्लेसमेंट भी कैसा होगा सेम डिस्प्लेसमेंट होगा तो यहाँ पर आपका ये कौन सा आ गया ये फाइव आ गया ये मेरे पास में कितना आ गया फाइव आ गया और ये मेरे पास में कितना आ गया फाइव सी आ गया तो यहां पर क्या आ गया ये आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया ये क्या आ गया आपके पास में डिस्प्लेसमेंट आ गया ना अब इसके बेहाब में देखो मैं यहां पे क्या इक्वेशन लिख सकता हूं यहाँ पे इसके बेहाब में क्या इक्वेशन लिख सकता हूं जो मेरे पास में फाइव ए है फाइव ए कितना आ जाएगा ये आ जाएगा फाइव इजकअल टू फाइव एम साइन ओमेगा टी कितना आ जाएगा हमारे पास में फाइवे इजकल टू फाइव एम साइन ओमेगा टी उसके बाद देखिए सेकंडली यहाँ पे कितना आ जाएगा फाइव बी फाइव बी इजकल टू कितना आ जाएगा फाइव एम साइन ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस वन ट्वेंटी डिग्री ये हमारे पास में निकल के आ जाएगा कितना फाइव इजकल टू फाइव एम साइन ओमेगा टी माइनस वन ट्वेंटी डिग्री फाइव सी कितना आ जाएगा हमारे पास में फाइव सी आ जाएगा हमारे पास में फाइव एम साइन ओमेगा टी प्लस वन ट्वेंटी डिग्री ये हमारे पास में क्या हो जाएगा निकल के आ जाएगा ठीक है इतना समझ में आया हम आ सब समझ में आया अब देखो यहाँ पे आपका जो फ्लक्स है यहाँ पे फ्लक्स कैसा है बताइए आपका बेटा यहाँ पे जो फ्लक्स है फ्लक्स कैसा है यहाँ पे फ्लक्स यहाँ पे है आपका स्टेशनरी या फिर अल्टरनेटिंग बताइए फटाफट से आपका यहाँ पे जो फ्लक्स है बेटा फ्लक्स कैसा है फ्लक्स यहाँ पे कैसा है आपका स्टेशनरी या फिर अल्टरनेटर बताओ बताओ आपका मास यहाँ मास् साहब जायर सी बात है जब यहाँ पे सप्लाई हमारे पास में एसी है तो आपका फ्लक्स भी कैसा होगा फ्लक्स भी अल्टरनेटिंग होगा तो यहाँ पे मेरे पास में जो फ्लक्स है बेटा ये कैसा है अल्टरनेटिंग फ्लक्स है अल्टरनेटिंग अब ये अल्टरनेटिंग फ्लक्स है इसका मतलब क्या होगा हमारे पास में फ्लक्स आपका रोटेट कर रहा होगा फ्लक्स जो है आपका रोटेट कर रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू द ओमेगा टी आपका जो फ्लक्स है हमारे पास में फ्लक्स कैसा कर रहा होगा आपका रोटेट कर रहा होगा स्पेस में विद रिस्पेक्ट टू द ओमेगा टी तो यहां पे ओमेगा टी का कोई वैल्यू ले लीजिए है ना तो लेट्स आपकी जो मर्जी पड़े वो वैल्यू ले लीजिए तो मैंने यहां पे एक आपका कोई भी इंस्टेंट ले, ले लिया लेट इट बी ओमेगा टी इजकल टू जीरो

फाइव बी है ना माइनस वन ट्वेंटी डिग्री आपका एक ही बराबर होता है तो ये कितना यहां पर ओमेगा टे स्कल तो टू जीरो माइनस ऑफ वन ट्वेंटी डिग्री एंड सिमिलरली जो फाइव सी है मेरे पास में फाइव सी कितना आपके पास में यह आ जाएगा फाइव एम साइन वन ट्वेंटी डिग्री ठीक है ये हमारे पास में क्या हुआ आपका निकल के आ गया फाइव बी और फाइव सी तो आपने क्या देखा कि फाइव ए कितना आ गया जीरो आ गया फाइव ए कितना आ गया बेटा जीरो आ गया तो अब यहाँ पे अगले में अगले स्टेप में यहां से फिर से आप क्या कीजिएगा तीनों को ड्रॉ कीजिएगा तीनों को यहां पे ड्रॉ कर लीजिएगा और अब देखिए यहां पे मेरे पास में जो फील्ड है आपका रिजल्टेंट फील्ड आप निकालिए यहां पे तो रिजल्टेंट फील्ड मुझे यहाँ पे बताइए किसकी वजह से मिलेगा रिजल्टेंट जो फील्ड है यहाँ पे किसकी वजह से मिलेगा किस A, B, किसकी वजह से मिलेगा बताइए ए बी सी किसकी वजह से मिलेगा तो यहाँ पे ओमेगा टी के किसी भी इंस्टेंट पे ओमेगा टी के किसी भी इंस्टेंट पे हमेशा जो एक फेज होगा ये आपको कौन सी वैल्यू देगा जीरो वैल्यू देगा और जो रिजल्टेंट फील्ड मिलेगी वो क्या मिलेगा किन्नी भी दो फेजिस की वजह से मिलेगा यहाँ पे जो रिजल्टेंट फील्ड मिलेगा वो किन्हीं भी दो की वजह से देखने को मिलेगा तो अब देखो मैं क्या करूंगा आप एक काम कीजिए कि यहाँ पे आपका जो फाइव सी है इसको मैं क्या करूंगा निगेटिव डायरेक्शन में इसको ले लीजिएगा एक्सटेंड कर दीजिएगा गेटिव डायरेक्शन में इसको एक्सटेंड कर दिया तो ये कितना हो गया हमारे पास में माइनस ऑफ फाइव सी हो गया कितना हो गया माइनस ऑफ फाइव सी अब देखो यहां से जो आपका फाइव बी है और फाइव सी इसका रिजल्टेंट आपको क्या मिल रहा है फाइव बी है और जो फाइव सी है इसका रिजल्टेंट क्या मिल रहा है बताओ इसका रिजल्टेंट तुम्हें मिल रहा है यहां पे क्या फाइव एम क्या मिलेगा तुम्हें इसका रिजल्टेंट इसका जो रिजल्टेंट है दैट इज फाइव नेट तो यहाँ पे देखिए हमारे पास में जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है इन दिस केस किसकी वजह से मिलेगा बी और सी की वजह से मिलेगा यानी कि जो आपके पास में स्टेटर है स्टेटर पे यहाँ पे क्या होगा हमारे पास में जो आपकी फील्ड आपकी जनरेट होगी वो एट ए टाइम किसकी वजह से मिल रहा है बी और सी की वजह से देखने को मिल रहा है तो अब यहाँ पे मेरे पास में गए जो फाइव एम है फाइव एम कितना निकल के आ जाएगा सॉरी जो फाइव नेट है फाइव नेट कितना निकल के आ जाएगा तो यहाँ पे आपके पास में बी और सी की वजह से देखने को मिलेगा तो इसको मैं डायरेक्टली लिखूंगा ये हमारे पास में दोनों को ऐड कर दीजिएगा यानी कि फेजर्स सम ले लीजिएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास में इट विल 1.5 टाइम्स ऑफ द फाइव एम ये हमारे पास में क्या निकल के आ जाएगी जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है नेट मैग्नेटिक फील्ड आपकी निकल के आ जाएगी अब क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कैसी है अल्टरनेटिंग फील्ड है

तो यहां पर गई जो आर एम एफ है मेरे पास में फाइव इसका मैग्नीट्यूड और स्पीड हमेशा कैसा रहता है कांस्टेंट रहता है तो ये किस पे रोटेट करता है एन पे रोटेट करता है और एनएस कितना होता है वन ट्वेंटी एफ अपॉन पी तो जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है किस पे रोटेट करता है सिंक्रोस स्पीड पर रोटेट करता है एंड नेक्स्ट पॉइंट में क्या देखेंगे ऑलवेज कॉन्स्टेंट इन अ मैग्नीट्यूड ऑलवेज ऑलवेज कॉन्स्टेंट इन मैग्नीट्यूड ठीक है हमारे पास में जो मैग्नीट्यूड है मैग्नीट्यूड में गाइस क्या रहता है हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है ऑलवेज कॉन्स्टेंट इन द मैग्नीट्यूड हमारे पास में जो मैग्नीट्यूड है मैग्नीट्यूड में हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है यानी इसका मैग्नीट्यूड हमेशा कितना होगा 1.5 पॉइंट फाइव टाइम्स ऑफ फाइव एम और यहाँ पे जो इसकी स्पीड है स्पीड कितनी रहिए हमारे पास में वन ट्वेंटी एफ अपॉन पी यानी कि ऑलवेज रोटेट एट सिंक्रोनस स्पीड है ना तो यहाँ पर भी लिख लेंगे ऑलवेज रोटेट एट सिंक्रोनस स्पीड अब देखो यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ कन्फ्यूजन है वो कहाँ पर आता है अब ये जैसे हमारे पास में फील्ड आया बेटा स्टेटर के ऊपर तो फील्ड विच इज जनरेटेड ऑन द स्टेटर इट इज द मैग्नेटिक फील्ड विच इज जनरेटेड ऑन द स्टेटर अब ये जो स्टेटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट है ये यहां से किसको कट करेगा ये भाई साहब आपका कट करेगा रोटर को ये पे किसको कट करेगा ये गाइज आपका कट करेगा यहाँ पे जो रोटर सर्किट है रोटर सर्किट को कट करेगा रोटर को यहाँ पे गाइज ये क्या करेगी ये जो आर एम एफ है पे ये अपना रोटर को कट करेगा ठीक है यानी कि रिवॉल्व करते हुए यहाँ पे यानी कि घूमते हुए यहाँ पे किसको कट करेगा ये यह, यहाँ पे जो स्टेटर से रोटर की तरफ आएगा और इसको कट करेगा ना अब यहाँ पे जब ये आर एम एफ कट करेगा तो इसके मैग्नीट्यूड में क्या कोई चेंज आएगा बताओ आप लोग ये जो स्टेटर के ऊपर आर एम एफ जनरेट हुई कि इसके मैग्नीट्यूड में कोई अरे भैया मैग्नेटिक फील्ड है कोई लोड थोड़ी ही ना है। तो सेम मैग्नेटिक फील्ड आपकी यहाँ पे आएगी आपके पास में जो सेम मैग्नेटिक फील्ड है ये यहाँ पे आएगी दैट इज़ 1.5 टाइम्स ऑफ द फाइव तो गईज यहाँ पे जो मेरे पास में स्टेटर और रोटर है दोनों पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसी होगी सेम होगी यानी कि सेम मैग्नीट्यूड वन ट्वेंटी एफ अपॉन पी यानी कि स्पीड से रोटेट करेगा मैग्नीट्यूड कितना होगा टाइम्स ऑफ द एम तो स्टेटर और रोटर पे हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी सेम होगी ठीक है अब यहाँ पे स्टेटर क्या करेगा हमारा स्टेशनरी है अब रोटर पे यहाँ पे रोटर बेसिकली क्या है करंट कैरिंग कंडक्टर अब ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है यहाँ पे क्या कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड इसको कट कर रहा है इसका मतलब क्या करेगा घुमी घुमी करने की कोशिश करेगा क्या करेगा घुमी घुमी करने की कोशिश करेगा लेकिन जब ये रोटर आपका रोटेट करेगा ना तो रोटर की स्पीड कौन सी होती है दैट इज द एन रोटर स्पीड तो दोनों में मेरा फर्क होता है आई होप आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट ऑफ आर एम एफ एक बार बताएंगे फटाफट से सभी लोग सबको क्लियर है गाइज कॉन्सेप्ट ऑफ आर एम एफ कॉन्सेप्ट ऑफ आर एम एफ गाइज सबको क्लियर है एक बार फटाफट से बताइएगा कॉन्सेप्ट ऑफ आर एम एफ सबको क्लियर है एक बार जल्दी से बताएंगे कॉन्सेप्ट ऑफ आर्म सबको क्लियर है फटाफट से बताइए जल्दी से बताएंगे सबको क्लियर है सबको क्लियर है गाइस फटाफट से बताइए कॉन्सेप्ट ऑफ आर्म सबको क्लियर है चलो बहुत बढ़िया देखो आगे चलते हैं गाइस और नेक्स्ट देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में नेक्स्ट देखते हैं इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में अब देखिए यहां पे इसका जो कंस्ट्रक्शन है तो कंस्ट्रक्शन में बेसिकली हमें दो तो पार्ट देखना है क्या एक स्टेटर और दूसरा रोटर कंस्ट्रक्शन में बेसिकली दो पार्ट देखना है हमारे सर आर एम एफ का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है ना ये तो शुरुआत में ही बताया था आर एम एफ बोले तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को रोटेटिंग क्यों बोल रहे हैं गाइस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये रोटेट कर रहा है इस स्पेस में है ना चलो अब देखो यहां पे हमारे पास में जो कंस्ट्रक्शन है तो अनलाइक अदर मशीन सभी क्या बताया था इट हैज अ टू पार्ट स्टेटर एंड रोटर स्टेटर आपका क्या करता है मेन मेन को यहां पे जो सप्लाई इसको रिसीव करता है और रोटर हमारा क्या करता है एयर गैप से जो पावर जाती है उसकी वजह से रोटेट करता है चलो तो वन बाई वन करके यहां पे अपन दोनों के कंस्ट्रक्शन को देखेंगे तो सबसे पहले देख लेते हैं किसके कंस्ट्रक्शन को स्टेटर को स्टेटर को देखिए तो अब मेरे पास में जो स्टेटर होता है गाइस स्टेटर बेसिकली यहां पे कौन सी वाइंडिंग को कैरी करता है यहाँ पे जो मेरे पास में स्टेटर है ये आर्मेचर वाइंडिंग को कैरी करता है और यहाँ पे जो आर्मेचर वाइंडिंग किससे कनेक्ट रहता है हमारा जो मेन सप्लाई मेन सप्लाई के साथ में कनेक्ट रहता है दूसरा देखिए हमारे पास में जो स्टेटर होता है स्टेटर की कोर आपकी किससे मिलके बनी होती है इट इज मेड ऑफ द सिलीकन स्टील किसका मिलके बना होता है बेटा सिलिकन स्टील का मिलके बना होता है ठीक है आ, फोर वाइंडिंग वी कट दलॉट स्टेटर आपकी जो स्टेटर की कोर होती है यहाँ पे स्लॉट को कट किया जाता है अब देखो यहाँ पे स्लॉट हमारे पास में कितने होते हैं ओपन क्लोज और सेमी क्लोज आपके जो स्लॉट से यूज किए जाते हैं स्टेटर रोटर बोथ आर सेपरेटेड बाय द एयर गैप अब यहाँ से आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन पढ़ी कि यहाँ पे जो आर्मेचर की कोर है आर्मेचर की कोर पे आप बाइंडिंग को पुट करेंगे हम आज पुट करेंगे तो यहाँ पे जो वाइंडिंग की कोर है वाइंडिंग की जो को सॉरी जो आर्मेचर जो इस हमारे पास में आर्मेचर कोर है यहाँ पे वाइंडिंग को पुट करने के लिए आप क्या करेंगे स्लॉट को कट करेंगे अब स्लॉट को कैसे कट करोगे यहाँ पे ये यह तीन टाइप से कट कर सकते हो ओपन स्लॉट क्लोज स्लॉट और सेमी क्लोज स्लॉट तब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन निकल के आ जाता है हमारे पास में किसका टाइप्स ऑफ

हम जो वाइंडिंग है यहाँ पे वाइंडिंग को अपन प्लेस करते हैं ठीक है, है यहाँ पे जो वाइंडिंग है वाइंडिंग को अपन क्या करते हैं पे प्लेस करते हैं दूसरे देखिए है यहाँ पे हमारे पास में दूसरे हमारे पास में सेमी क्लोज दूसरे कौन से होते गए हमारे पास में सेमी क्लोज अब जो सेमी क्लोज स्लॉट है तो नाम से समझ में आ रहा होगा आधा कैसा होगा गए आधा हमारे पास में ये क्लोज होगा और आधा कैसा होगा हमारे पास में आधा हमारे पास में ये आपका आधा कैसा होगा गाइज हमारे पास में आधा जो है हमारे पास में ओपन होगा आधा हमारे पास में कैसा होगा क्लोज होगा तो अब देखिए यहां पे किस तरीके से हम स्लॉट की कटिंग करते हैं लाइक दिस इस तरीके से गाइज हम क्या करते हैं यहां पे जो सेमी क्लोज स्लॉट है सेमी क्लोज स्लॉट को अपन कट करते हैं लाइक दिस है, like है ना

तो नाम से आपको समझ में आ ही क्या होगा गाइस हमारे पास में जो आपकी यहाँ पे वाइंडिंग होगी इसमें कैसे स्लॉट करते हैं like है इस तरीके से जो क्लोज स्लॉट है स्लॉट पे अपन क्या करते हैं पुट करते हैं ठीक है चीके? अभी जो टाइप ऑफ स्लॉट है ना बेटा टाइप ऑफ स्लॉट यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंडक्शन मशीन के अंदर देखो क्या क्या रोल प्ले करते हैं देखते हैं तो यहाँ पे गई मैं आपको पूरा का पूरा कंपेरिजन दिखाता हूँ एंड मेक श्योर आई एम टेलिंग यू गाइस कि यहाँ से आपको एटलीस्ट दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे है ना एटलीस्ट आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेंगे दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ठीक है टू क्वेश्चन टू क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे ठीक है चल देखो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास में सो जस्ट गिव अ वन मिनट अपन फिर स्टार्ट करते हैं इसको जस्ट गिवन मिनट चल स्टार्ट करते हैं ना ना अब देखो गाइज हमारे पास में तीन टाइप के यहाँ पे स्लॉट है ये हमारे पास में एक है ओपन स्लॉट दूसरा है आपके पास में क्लोज स्लॉट और तीसरा है मेरे पास में क्या सेमी क्लोज स्लॉट ठीक है चल अब जो यहाँ पे मेरे पास में ओपन स्लॉट है इसको देखते हैं क्लोज स्लॉट है इसको देखते हैं सारे स्लॉट्स को वन बाय वन करके अपन देखते हैं तो ये हमारे पास में क्या हो गया इसको बाइफरकेट कर देते थोड़ा सा चलो ना तो सबसे पहले देखी गई हमारे पास में कौन सा है ओपन स्लॉट तो ओपन स्लॉट की अगर मैं बात करूं तो यहां पे हमारे पास में सबसे पहला पॉइंट क्या है ओपन स्लॉट में लेस मेंटेनेंस एंड रिपेयर अब इसके जो दोनों एंड्स हैं दोनों एंड्स कैसे मेरे पास में ओपन है तो अब यहाँ पे मशीन को अंडर विज़न और सुपर आ, सुपर विजन में जाना पड़ेगा ना टाइमली आप इसको रिपेयर करते हैं तो ओपन में यहाँ पे मेंटेनेंस रिपेयर की ज़्यादा दिक्कत नहीं आती काफ़ी लेस होता है अब क्लोज़ में देखिए वाइंडिंग के दोनों एंड्स के हमारे पास में कम्प्लीटली क्लोज़ है तो यहाँ पर काफ़ी डिफ़िकल्टी आती है और सेमी क्लोज में आधा बंद है आधा खुला है तो यहाँ पर जाए सी बात है मॉडरेट लेवल का अपना रहता है

तो यहाँ पे देखिए हमारे पास है एयर गैप जो लेंथ है ये कम और ज्यादा होने से क्या इफेक्ट पड़ेगा मशीन के ऊपर तो यहाँ पे देखो ना बहुत ध्यान से समझना है ना सारे के सारे आपके कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हो जाएंगे तो मेरे पास में स्टेटर और रोटर दोनों किससे गए सेपरेटेड है बोथ आर द सेपरेटेड बाय द एयर गैप ये आपके पास में क्या है स्टेटर स्टेटर ठीक है और यहाँ पे स्टेटर किससे कनेक्टेड है हमारे पास में जो सप्लाई मेन है सप्लाई मेन से यहाँ पे कनेक्टेड है दैट इज आर वाई बी और ये मेरे पास में क्या है एयर एयर गैप गैप इज नथिंग बट मैकेनिकल सेपरेशन बिटवीन स्टेटर एंड रोटर हमारे पास में क्या है एयर गैप एयर गैप इज नथिंग मैकेनिकल सेपरेशन बिटवीन स्टेटर एंड रोटर तो ये मेरे पास में क्या हो गया ये स्टेटर हो गया आपके पास में इट इज योर स्टेटर ठीक है चलो अब देखो यहाँ पे जैसे हमारे पास में सप्लाई मेन आया इसकी वजह से हमारा जो स्टेटर स्टेटर पे क्या डेवलप हुआ बेटा जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आपका डेवलप हुआ

उतना ही आपका अच्छा जनरेट होगा ई एम एफ हमारे अब ये डिस्टेंस अगर तुम जैसे बढ़ाते गए तो आपका फ्लक्स का लिंकिंग क्या होगा कम से कम होता जाएगा ना जैसे समझिए हमारे पास में दो मैग्नेट है दो बार मैग्नेट को जब आप पास लेते हैं मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ता जाता है मैग्नेट्स को दूर लेके जाते हैं मैग्नेटिक स्ट्रेंथ आपका कम होता जाता है फ्लक्स का लिंकिंग कम होता जाता है तो अब यहाँ पे देखो हमारे पास में अगर फ्लक्स का लिंक कम हुआ अब फ्लक्स का अगर लिंक कम हुआ तो इसको मोटर को तो कोई जरूरत नहीं यहाँ पे कि कम हो रहा है ज़्यादा हो रहा है ये क्या करेगा कि यहाँ पे आपका जो लोड है लोड को डिलीवर करने के लिए जो आपका लोड है बेटा लोड को डिलीवर करने के लिए ये मोटर क्या करेगा यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा करंट कर, ड्रा करेगा क्योंकि इसे हर हालत में आपका जो एयर गैप एयर गैप इज़ नथिंग बट मैग्नेटिक डोमेन एयर गैप इज़ नथिंग बट ये क्या होता है आपका मैग्नेटिक डोमेन तो अब जो मोटर है मोटर को क्या करना है यहाँ पे हर हालत में अपना जो मैग्नेटिक डोमेन है बेटा मैग्नेटिक डोमेन आपको मेंटेन करना है हर हालत में मैग्नेटिक डोमेन मेंटेन करेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स को स्टेबलाइज करने के लिए और मैग्नेटिक फ्लक्स को मेंटेन करने के लिए जो मोटर है सप्लाई से क्या करेगा जो ह्यूज मैग्नेटाइजिंग करंट है मैग्नेटाइजिंग करंट की ह्यूज वैल्यू को ड्रॉ करेगा क्या करेगा ह्यूज मैग्नेटाइजिंग करंट ये ड्रॉ करेगा गाइस अब अगर करंट ज्यादा से ज्यादा ड्रॉ करेगा बेटा तो पावर फैक्टर कितना होगा मेरे पास में पावर फैक्टर की वैल्यू लो होगी मेरे पास में पावर फैक्टर कैसा होगा मेरे पास में लो होगा मेरे पास में समझ में आया पूरा कॉन्सेप्ट एक बार फटाफट से कमेंट करके बताएंगे ये आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया कि किस तरीके से आपका मैग्नेटाइजिंग करंट इंक्रीज होता है किस तरीके से पावर फैक्टर आपका कम होता है सभी को समझ में आया तो एक बार फटाफट से बताइएगा चलो तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा आपके पास में ये वाला पॉइंट है ना तो यहाँ पे जो मेरी एयर गैप की लेंथ है एयर गैप की लेंथ कैसी होनी चाहिए मेरे पास में कम से कम होनी चाहिए सो so देट आपका करंट कम होगा करंट कम होगा तो पावर फैक्टर मेरा ज्यादा होगा आपका ठीक है चलो तो अगला पॉइंट मैंने आपको बताई दिया कि पावर फैक्टर आपका लो होगा लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता पावर फैक्टर बेटर होता है यहाँ पे मॉडरेट होता है लेकिन देखिए इसके सारे घाटे ही नहीं है यहाँ पे जो लीकेज फ्लक्स होता है बेटा लीकेज फ्लक्स का वैल्यू क्या होता है कम होता है यहाँ पे ओपन स्लॉट के अंदर लीकेज अगर फ्लक्स मेरा कम होगा तो आपका टॉर्क कैसा होगा ज़्यादा होगा मेरे पास में और पावर आपकी जो है पावर भी ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसफर होगी लेकिन यहाँ पे गए जो ओपन स्लॉट है इसमें क्या आते हैं इरेगुलर्टीज़ आते हैं और आपके जो स्लॉट हार्मोनिक्स है हार्मोनिक्स भी यहाँ पे जनरेट होते हैं जबकि यहाँ पे लीस्ट होता है यहाँ पे मॉडरेट होता है

और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से बेटा सब्सक्राइब कर लीजिएगा चलिए बताएंगे इस फटाफट से सभी लोग एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सा यहाँ पे ऐसा स्लॉट है जिसको आप यूज करना चाहेंगे बताओ कौन सा स्लॉट यूज करना चाहोगे बताओ बेटा बताओ जल्दी से बताओ इतना टाइम नहीं लगाना है कौन सा आप स्लॉट यूज करना चाहोगे ना no, देखो यहां पे गाइज आप अगर ध्यान से देखें तो सारी मॉडरेट चीजें किस में आ रही हैं सारी मॉडरेट की चीजें किस में आ रही है हमारे पास में सेमी क्लोज में आ रही कि नहीं आ रही है? तो गाइज हमारे पास में जो जनरली अपन यूज करेंगे वो कौन सा यूज करेंगे यहाँ पे जनरली हम यूज करते हैं यहां पे कौन सा सेमी क्लोज स्लॉट तो यहाँ पे आप पॉइंट नोट कर लेना जनरली वी यूज जनरली जनरली वी यूज जनरली वी यूज कौन सा स्लॉट यहाँ पे यूज करते हैं जनरली वी यूज और सेमी क्लोज स्लॉट ठीक है सेमी क्लोज यहाँ पे अपन क्या करते हैं जो सेमी क्लोज स्लॉट है सेमी क्लोज स्लॉट को यूज करते हैं ठीक है ठेके? और यहाँ पे जनरली अपन सेमी क्लोज स्लॉट को परफ जो है यहाँ पे रिफर करते हैं नॉट ओपन स्लॉट है ना ओपन स्लॉट को अपन यूज नहीं करते हैं चलिए और ये क्वेश्चन एस एस सी जी में कई बार है ना तमाम आपको यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन एस एस सी जे में देखने के लिए मिला है आई होप सबको क्लियर हो गया होगा चलो आगे चलते हैं दोस्तों और आगे चल के आपको कुछ बहुत ही प्यारे से कॉन्सेप्ट आपको सिखाता हूँ तो अब यहाँ पे आगे चल के अपन देखें किसके बारे में स्टेटर के बारे में सॉरी हमारे पास में ये हो गया अब इसके बाद देखेंगे अपन किसको जो रोटर है रोटर को अपन देखते हैं तो अब यहाँ पे रोटर कंस्ट्रक्शन को देखते हैं देखो अब मेरे पास में जो रोटर है गाइस रोटर यहाँ पे आपका जो है इंडक्शन मशीन में रोटर हमारे पास में दो तरीके का होता है एक होता है स्क्वायरल गेस आपका रोटर होता है और जो दूसरा होता है मेरे पास में दूसरा कौन सा होता है स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर होता है ठीक है चलिए तो दो तरीके के हमारे पास में कंस्ट्रक्शन होते हैं स्क्वायरल केज रोटर और दूसरा कौन सा होता है स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर रोटर के कंस्ट्रक्शन के ब्याह में ही अपन क्या करते हैं इंडक्शन मोटर का क्लासिफिकेशन करते हैं यानी कि हमारे पास में दो तरीके के इंडक्शन मोटर होते हैं एक होता है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर और दूसरा होता है मेरे पास में स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर ठीक है दो तरीके के क्या होते हैं मेरे पास में रोटर होते हैं स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर और दूसरा कौन सा होता है आपके पास में स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर तो सबसे पहले समझते हैं स्क्वायरल केज इंडक्शन और रोटर को अब देखिए जो केज रोटर होता है दोस्तों इसमें क्या होता है तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये जो आपको ऊपर से दिख रहे हैं ना ये है ना इसको क्या बोलते हैं एल्यूमिनियम बार्स इसको क्या बोला जाता है एल्यूमिनियम बार्स जो कि डाइकाश मटेरियल के मिल बने होते हैं और यहाँ पे ये यह हमारी ये क्या होती है ये हमारे पास में एंड रिंग्स होते हैं ये जो आपको दिख रहे हैं ना इसको अपन बोलते हैं एंड रिंग्स क्या बोलते हैं इसको एंड रिंग्स ठीक है और यहाँ पे जो रोटर है हमारे पास में रोटर का जो सेकंड पार्ट है ये हमेशा ये कैसा होता है आपका इट इज परमानेंटली शॉर्ट सर्किटेड ये क्या होता है हमारे पास में जो रोटर का सेकेंडरी पार्ट है ये कैसा होता है आपका शॉर्ट सर्किटेड यानी कि एट द टाइम ऑफ मोटर सॉरी एट एट द द टाइम टाइम ऑफ ऑफ स्टार्टिंग स्टार्टिंग पे हमारे पास में आपका जो रोटर है यहाँ पे इसकी जो सेकेंडरी है ये कैसे काम करेगा ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है तो यहाँ पे याद रखना कि एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग रोटर ऑफ इंडक्शन मोटर बिहेव लाइक अ शॉर्ट सर्किट क्यों जिसकी वजह से क्या कर सके ज्यादा से ज्यादा करंट को यहाँ पे ड्रॉ कर सके सो दैट आपका आपका जो टॉर्क है अच्छे से अच्छा स्टार्टिंग टॉर्क आपका डेवलप हो सके है ना कैसा अच्छे से अच्छे यहाँ पे स्टार्टिंग टॉर्क डेवलप हो सके ओके और ये हमारे पास में शाफ्ट है गाइस जो कि स्टील की, की मिलकर बनी होती है कार्बन स्टील का मिलकर बना होता है ठीक है और यहाँ पे क्या हमारे पास है दैट इज अ तो कॉपर बार्स है ना जो कि अल्यूमिनियम के आपके मिलकर बने होते हैं ना अब देखो इस तरीके से अपन क्या करते हैं इस तरीके से यहाँ पे स्लॉट कट करते हैं और स्लॉट्स के अंदर क्या करते हैं यहाँ पे जो वाइंडिंग है वाइंडिंग को अपन प्लेस करते हैं ठीक है क्या करते हैं वाइंडिंग को अपन प्लेस करते हैं दिस इज द कोर ऑफ द रोटर जो कि हमारे पास में आयरन कोर या फिर आपका सिल्कन स्टील का मिलकर बना होता है ओके okay? ना अब देखो यहां पे जो हमारे पास में स्क्वायरल केज रोटर होता है इसकी क्या क्या खासियत होती है गाइज ये कैसा होता है आपका सिंपल कंस्ट्रक्शन होता है आप यहाँ पे देख रहे हैं जो रोटर है रोटर के ऊपर कोई ज्यादा से चीजें नहीं लगाई गई इट इज अ सिंपल कंस्ट्रक्शन इसमें गाइज क्या होता है हमारे पास में सिंपल कंस्ट्रक्शन होता है आपका है ना तो कॉस्ट जो होती है कॉस्ट आपकी लो होती है दूसरा यहाँ पे देखिए गाइज हमारे पास में जो स्क्वायरल केज रोटर है स्क्वायरल केज रोटर है यहाँ पे स्क्वायरल केज रोटर को जब आप स्टेटर के साथ में लगाते हो तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ पोल्स होते हैं यानी कि नंबर ऑफ पोल्स जनरेटेड ऑन स्टेटर साइड एंड नंबर ऑफ पोल्स जनरेटेड ऑन रोटर साइड विल बी इक्वल यानी कि यहाँ पे जो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है इसमें जो रोटर पोल्स होते हैं रोटर पोल्स ऑटोमेटिकली फॉलो स्टेटर पोल्स यहाँ पे गए हमारे पास में जो रोटर के पोल्स हैं ये रोटर के पोल्स ऑटोमेटिकली किसको फॉलो करते हैं ऑटोमेटिकली स्टेटर के पोल्स को फॉलो करते हैं आप कहोगे सर उससे क्या हो जाएगा देखो इससे क्या हो जाएगा हमारे पास में यहां पे जो मेरे पास में अगर मोटर को स्टार्ट करना है अगर आपने मोटर को स्टार्ट करना है तो जो रोटर के पोल्स है वो किसके इक्वल होने चाहिए दे शुड बी इक्वल टू द स्टेटर पोल्स यानी कि फॉर स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर स्टेटर पोल्स एंड रोटर पोल्स कैसे होने चाहिए दे शुड बी इक्वल अगर हमारे पास में स्टेटर पोल्स और रोटर पोल्स अगर ये इक्वल नहीं हुए तो यहां पे क्या होगा मोटर वॉन्ट बी स्टार्ट मोटर आपका स्टार्ट नहीं होगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है तो मोटर यहां से क्या होगा हमारे पास में मोटर आपका स्टार्ट नहीं होगा तो फॉर स्टार्टिंग ऑफ द इंडक्शन मोटर हमारे पास में स्टेटर पोल्स और रोटर पोल्स कैसे होने चाहिए, चाहिए. तो जनरेट कर लेता मानिए आपका जो स्टेटर है इस सिक्स पोल्स का है तो यहाँ पे जो हमारे पास में रोटर है गाइज रोटर आपका ऑटोमेटिकली कितने पोल जनरेट करा लेगा रोटर ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिक्स पोल जनरेट करा लेगा इससे होगा क्या देखो स्पीड कितना होता है स्पीड होता है हमारे पास में वन ट्वेंटी एफ अपॉन पी तो यहाँ पे पोल्स को कंट्रोल करके आप किस को कंट्रोल कर सकते हो जो स्पीड है गाइज स्पीड को आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो ठीक है लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये होती है गई कि जो हमारे पास में स्क्वायरल केस इंडक्शन मोटर है इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है स्टार्टिंग टॉर्क काफ़ी लो होता है यानी कि जो यहाँ हमारे पास में स्टार्टिंग टॉर्क आपका जनरेट होता है स्टार्टिंग टॉर्क कैसा होता है गाइज़ आपका स्क्वायरल केज मोटर का आपका लो होता है वाइल जैसे ही मोटर हमारे पास में क्या पहुंचता है स्टडी स्टेट में स्टडी स्टेट बोले तो 80 परसेंट ऑफ सिंक्रोनस स्पीड जैसे ही हमारे पास में रोटर 80 परसेंट ऑफ सिंक्रोनस स्पीड को अचीव करता है तो इसके जो रनिंग टॉर्क होता है इसका गैस जो रनिंग टॉर्क होता है रनिंग टॉर्क कैसा होता है गैस रनिंग टॉर्क इज मच बेटर रनिंग टॉर्क कैसा होता है बेटा आपका रनिंग टॉर्क इसका काफी अच्छा होता है तो यहाँ पे जो हमारे पास में रनिंग टॉर्क है सो रनिंग टॉर्क आपका क्या होता है रनिंग टॉर्क आपका नॉट बेटर इट इज एक्सीलेंट है ना कैसा होता है हमारे पास में एक्सीलेंट लेकिन स्टार्टिंग टॉर्क कैसा होता है स्टार्टिंग टॉर्क आपका काफी लो होता है स्टार्टिंग टॉर्क कैसा होता है काफी लो होता है सो so, बट यहाँ पे इस ओके ठीक है हमारे पास में कंस्ट्रक्शन कैसा Simple, rough construction है सिंपल रफ एंड टफ कंस्ट्रक्शन और एक बार अगर कंस्ट्रक्शन हो गया मतलब हो गया तो इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो कैसा कंस्ट्रक्शन होता है परमानेंट कंस्ट्रक्शन होता है सो दिस इज ऑल अबाउट द स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर जल्दी से बताएंगे सभी को क्लियर है एक बार जल्दी से फटाफट से बताएंगे सभी को क्लियर है सबको क्लियर है ये वाला फटाफट से बताइए सबको क्लियर है चलिए बहुत बढ़िया नाउ नेक्स्ट देखिए हमारे पास में नेक्स्ट जो आपका आ, यहां पे रोटर है वो कौन सा है स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर नेक्स्ट हमारे पास में जो रोटर है वो कौन सा है स्लिपरिंग तो स्लिपरिंग रोटर जो हमारे पास में इज नथिंग बट स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर इसे अपन क्या बोलते हैं इसे वाउंड रोटर भी बोलते हैं क्या बोलते हैं इसे वाउंड रोटर भी बोलते हैं अब यहाँ पे सारी चीज़ें ठीक थी लेकिन यहाँ पे जो पिछला हमारे पास में रोटर था आपका केज रोटर केज रोटर में प्रॉब्लम क्या थी केज रोटर में प्रॉब्लम ये थी कि उसका जो स्टार्टिंग टॉर्क था स्टार्टिंग टॉर्क कैसा था बेटा लो स्टार्टिंग टॉर्क था अब मान लीजिए तो हमें यहाँ पे हाई टॉर्क चाहिए

रोटर यानी कि जो हमारे पास में आपका जो मोटर है मोटर का रोटर तो रोटर के साथ अपन सीरीज में अपन क्या करते हैं यहाँ पे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं यहां पे जो हमारे पास में तीनों फेजेस है विद द हेल्प ऑफ स्लिप रिंग एंड कार्बन ब्रशेस इसमें इस अपन क्या करते हैं एक अपन यहाँ पे एक्सटर्नल रोटर कनेक्ट कर देते हैं क्या करते हैं यहां पे सॉरी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं क्या एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं अब देखो यहाँ पे आपको बाद में शो करूंगा तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है अभी आप इतना समझ लीजिए कि स्टार्टिंग टॉर्क मेरा क्या होता है बेटा रोटर रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है मेरा रोटर रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो जैसे जैसे मेरा आर टू बढ़ेगा रोटर रजिस्टेंस वैसे वैसे क्या होगा आपका जो स्टार्टिंग टॉर्क है स्टार्टिंग टॉर्क विल ऑल्सो इम्प्रूव लेकिन ये कहाँ तक होल्ड करता है अप टू के बाद ऐसा नहीं होता है बट ठीक है इस ओके हमारे पास है रोटर रेजिस्टेंस को आप इंक्रीज करके क्या कर सकते हो जो स्टार्टिंग टॉर्क है स्टार्टिंग टॉर्क को इंक्रीज कर सकते हो बट देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आता है स्लिपरिंग और ब्रशेस यानी कि हमारे पास में मेंटेनेंस की प्रॉब्लम आती है ना और यहाँ पे जो कॉस्ट है कॉस्ट भी इंक्रीज होती है दूसरा देखिए यहाँ पे स्टेटर एंड रोटर यहाँ पे जो स्टेटर और रोटर है गैस हमारे पास में इनके जो पोल्स हैं ये कैसे होते हैं इंटेंशनली सेम नंबर ऑफ पोल्स के लिए इसको डिज़ाइन करना पड़ेगा ऐसा नहीं होगा कि मान लीजिए स्टेटर पे चार पोल आ गए तो रोटर पे चार पोल ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाए दिस इज़ नॉट पॉसिबल तो जो यहाँ पे स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर है इसमें अपन को स्टेटर और जो रोटर के पोल्स हैं इसको इंटेंसली सेम अमाउंट के लिए यानी कि सेम नंबर्स के लिए आपको जनरेट करना पड़ेगा चाहे आपके ये कौन से भी हमारे पास में छः हो आपका सा, सॉरी आठ हो डजेंट मैटर तो यहाँ पे स्टेटर और रोटर आपको क्या करना पड़ेगा इंटेंसली सेम नंबर ऑफ पोल्स के लिए डिजाइन करना पड़ेगा तो यहाँ पे हमारे पास में जो पोल्स हैं, आप पोल्स को चेंज नहीं कर सकते हो ठीक है बस इतना अंतर आता है सो वर्ड एवर आई एक्सप्लेन यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई है सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है ठीक है यहां पे लास्ट में एक पॉइंट लिखा है द नंबर ऑफ स्लॉट्स आर डिफरेंट इन स्टेटर एंड रोटर टू अवॉइड द लॉकिंग टेंडेंसी देखो यहाँ पे जो मेरे पास में स्टेटर और जो रोटर होता है ना स्टेटर रोटर तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं कि स्टेटर और रोटर के ऊपर जो स्लॉट कट कर रहा है ना स्लॉट कट अपन कैसे करते हैं डिफरेंट करते हैं इंटेंशनली जिसकी वजह से क्या हो जाए हमारे पास में कोई भी मैग्नेटिक लॉकिंग ना हो जाए है ना क्योंकि अगर सेम नंबर ऑफ स्लॉट होंगे तो लॉकिंग होने का डर रहता है तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं स्टेटर और रोटर में जो स्लॉट्स होते हैं वो कैसे करते हैं डिफरेंट स्लॉट कट करते हैं जिसकी वजह से कोई भी लॉकिंग आपकी प्रॉब्लम ना हो पाए यहाँ पे कोई लॉकिंग की प्रॉब्लम ना हो पाए सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडक्शन मोटर कैसा लगा गाई? मजा आया मजा आया तो सुंदर से पहले से कमेंट करके बताओ दोस्तों मजा आया तो सुंदर से पहले से कमेंट करके बताओ फटाफट से बताओ सुंदर से प्यरे से कमेंट करके, करके। चलिए तो गाइज़ यहाँ पे एक चीज़ और आपको बोलना चाहूंगा कि सिविल इंजीनियरिंग के जितने भी आपके दोस्त हैं ना सिविल इंजीनियरिंग के जितने भी दोस्त हैं आपके गाइस उन सबके बोलिए कि यहाँ पे एक बहुत ही स्पेशल इवेंट हो रहा है बहुत ही स्पेशल गाइस इवेंट हो रहा है तो उस इवेंट में जरूर आइएगा जितने भी सिविल इंजीनियरिंग के एस्पिरेंट्स उनको बोलिएगा आठ बज के पैंतालीस मिनट पर अभी स्टार्ट होगा ना उसमें जरूर आएगा सभी लोग बहुत ही शानदार जानदार चीज़ आपके लिए वहाँ पे होने वाली है तो आप सिविल वाले जितने भी आपके दोस्त हैं उनको बता दीजिएगा ठीक है तो आई होप दोस्तों यहाँ पे जो आ, इसका जो सेट वन है आपको पसंद आया होगा तो मेरी दो क्लासेस चल रही हैं यहाँ पर दो क्लासेस चल रही है यहाँ पे आपका ठीक है एक आपकी छह बजे होती है दूसरा आपकी आठ बजे होती है तो यहाँ पे आठ बजे क्लास और छह बजे तो कल मिलेंगे आपसे शाम के छह बजे यूट्यूब पर तब तक लिए सभी को टाटा चेक किया बाय दोस्तों अपना ध्यान रखिएगा अच्छे से पढ़ते रहिएगा और इसी तरीके का अगर आपको सारी चीजें चाहिए तो आप पेड बैच को जाके ज्वाइन कर सकते हो ठीक है चलिए सो थैंक यू सो मच एवरीवन गाइज सभी को बहुत बहुत धन्यवाद टेलीग्राम चैनल अभी आपको टेलीग्राम चैनल पे जो पीडीएफ है अभी आपको शेयर कर दूंगा तो सभी लोग यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा थैंक यू गाइज एंड लव यू ऑल